rahim assalamu alaikum dear students i hope you all will be fine and safe at your home so it's your social studies lecture lesson number one the earth in space okay students जैसा कि आप सबको पता है कि हमने फर्स्ट लेसन द अर्थ इन स्पेस की रीडिंग हमने कंप्लीट कर ली है आज हम इसका वर्क uh, पेज करेंगे ठीक है वर्क पेज नंबर सिक्स एंड सेवन नाउ टेक आउट योर सोशल स्टडीज़ बुक्स होल्ड योर पेंसिल्स ओके आपका फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट वर्क पेज पेज नंबर सिक्स मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं आपने उनको उनके मीनिंग्स के साथ मैच करना है जिस तरह देखिए सबसे फर्स्ट पे फर्स्ट वर्ड क्या अब आपको नज़र आ रहा है एस्ट्रोनॉट्स अब एस्ट्रोनॉट है फर्स्ट वर्ड तो हम एस्ट्रोनॉट को किसके साथ मैच करेंगे अ पर्सन ट्रेंड टू ट्रैवल इन अ स्पेस क्राफ्ट एस्ट्रोनॉट कहते हैं ना हला आवाज को वो पर्सन या वो शख्स जिसको ट्रेन किया जाता है जो कि वो स्पेस क्राफ्ट के थ्रू स्पेस में जाता है तो आप देखें आपको मोबाइल स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा एस्ट्रोनॉट को मैंने मैच किया पर्सन ट्रेन टू ट्रेवल इन अ स्पेस क्राफ्ट और उसके ऊपर मैंने नंबर वन राइट भी कर दिया है ताकि अगर इस तरह मैच हुआ आपको समझ ना आ रहा हो तो इस तरह यह है कि आपको पता चल जाएगा काउंटिंग देख के कि नंबर वन जहाँ पे देखें मैंने मीनिंग uh, के ऊपर भी नंबर वन लिखा हुआ है तो आपने एस्ट्रोनॉट को उसके साथ मैच कर देना है ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट वर्ड है आपका रेवोल्यूशन ठीक है रेवोल्यूशन अभी हमने कल ही प्रीवियस लेक्चर में हमने रीडिंग में किया था ना कि रेवोल्यूशन क्या होता है रोटेशन तो वो होती है ना कि जो अर्थ अपने ही एक्सेस में मूव कर रही होती है स्पिन कर रही होती है तो रेवोल्यूशन क्या है जो सूरज के गिर्द अपने मूवमेंट जो उसकी होती है वह जो राउंड लगा रही होती है दैट इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन ठीक है तो अब यहाँ पे हम रेवोल्यूशन का क्या मैनिंग मीनिंग uh, करेंगे अ सर्कुलर मूवमेंट अराउंड एन अदर ऑब्जेक्ट ठीक है सर्कुलर सर्कल से है ना कि एक राउंड एक सर्कुलर मूवमेंट जो कि किसी ऑब्जेक्ट के गिरद की जाती है ऑब्जेक्ट अब यहाँ पर क्या है सन है ना सूरज के गिर्द जो ज़मीन चक्कर लगा रही है तो दैट इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन तो देखें इसके ऊपर भी मैंने नंबर टू राइट किया हुआ है तो आपने रेवोल्यूशन को इसके साथ मैच करना है थर्ड वर्ड इज ऑर्बिट ऑर्बिट को हमने मैच करना है सेकेंड uh, नंबर पे है द पाथ ऑफ द प्लानिट ठीक है ऑर्बिट किसे कहते हैं द पाथ ऑफ द प्लानिट यानी प्लानिट का जो पाथ होता है उसको ऑर्बिट कहा जाता है और इसके ऊपर भी मैंने नंबर थ्री राइट कर दिया है तो आपने ऑर्बिट को इसके साथ मैच करना है नेक्स्ट वर्ड है आपका क्लास ग्लोब अब आपने ग्लोब को मैच करना है एसफेरिकल मॉडल ऑफ द अर्थ ग्लोब आपने देखा हुआ है और मैंने रीडिंग्स के दौरान भी आपको ग्लोब की बार बार पिक्चर दिखाई है तो ग्लोब क्या होता है स्फेरिकल मॉडल होता है देखिए वो अर्थ का मॉडल होता है ना जैसा हमारी ज़मीन है तो वो उसका एक किस्म का मॉडल है ठीक है तो उसको ग्लोब कहा जाता है तो आपने इसके साथ मैच करना है लास्ट मीनिंग uh, के साथ एसफेरिकल मॉडल ऑफ द अर्थ नेक्स्ट है नंबर फाइव एक्सेस एक्सेस अब क्या है देखें सेकेंड लास्ट है मीनिंग एन इमेजिनरी लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ जो हमारी ज़मीन के अंदर से जो पास होती हुई लाइन आपको हमने दिखाई थी आ, ठीक है उसको उस दैट इज़ द इमेजिनरी लाइन ओके स्टूडेंट्स उसको एक्सिस कहा जाता है नंबर सिक्सथ वर्ड इज इक्वेटर इक्वेटर को आपने मैच करना है नंबर थर्ड पे मीनिंग है हाफ ऑफ द अर्थ ठीक है इक्वेटर क्या होता है अर्थ का हाफ जो होता है उसको इक्वेटर कहा जाता है और उसके ऊपर भी मैंने नंबर सिक्स राइट किया हुआ है आप इजीली मैच कर सकते हैं देख के ठीक है स्टूडेंट्स नंबर सेवन एंड द लास्ट वर्ड ऑफ दिस क्वेश्चन इज हैमीसवेयर हैमी आप क्या होती है एन एमेजिनरी लाइन राउंड द मिडल ऑफ द आर्थ ठीक है जो कि आपको एक इमेजिनरी लाइन जो होती है वो ड्रॉ की हुई होती है मिडल में जो ज़मीन के दरमियान में ड्रा हुई हुई होती है दैट इज़ कॉल्ड द हेमिसफेयर ठीक है और ओके इस तरह इसके ऊपर भी आप नंबर सेवन लिखा हुआ तो आपने इसके साथ मैच कर देना है ओके स्टूडेंट्स कम टू पार्ट बी ओके दैट इज़ राइट दिज वर्ड्स इन द करेक्ट स्पेसिस ऑन द डायग्राम अब यहाँ पर आपको डायग्राम दी गई है ठीक है स्टूडेंट्स अब आपने आपको वर्ड बैंक भी दिया गया है आपने इसके थ्रू इसकी हेल्प से हमने इस डायग्राम को सॉल्व करना था तो हम टॉप से स्टार्ट करते हैं ठीक है नॉर्थ पोल से देखिए जो सबसे टॉप पे जो नंबर वन पे आपको ब्लैंक नज़र आ रही है वहाँ पर हम लिखेंगे नॉर्थ पोल ओके स्टूडेंट्स क्या हम राइट करेंगे यहाँ पे नॉर्थ पोल एन ओ आर टी एच पी ओ एल ई पोल आपने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी ठीक है बहुत ध्यान से स्पेलिंग नोट डाउन करना है और आपके बुक पे भी ये स्पेलिंग राइट हुए हुए तो हमने सबसे टॉप पे लिखा है नॉर्थ पोल और उससे नीचे जो बिल्कुल ब्लैंक है दी गई है और एक देखें एक्सिस के थ्रू एक राउंड एरो आपको नजर आ रहा है तो वो किस चीज़ को शो कर रहा है एक्सिस को जो कि अर्थ के सेंटर से पास हो रही है इमेजिनरी लाइन जिसे हम कहते हैं तो हम नॉर्थ पोल का बिल्कुल एक्जैक्टली नीचे हम लिखेंगे एक्सेस हम एक्सिस से जो नीचे और आपको अर्थ के मिडल में जो ये लाइन ड्रॉ नजर आ रही है तो दिस आ, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर ठीक है इक्वेटर ओके स्टूडेंट्स तो आपने नंबर थर्ड पे अब यहाँ पे लिखना है इक्वेटर ई क्यू यू ए टी ओ आर इक्वेटर इक्वेटर से आप बिलो आए तो हम जब अर्थ को जो हम अगर टू पार्ट्स में डिवाइड कर दें ठीक है तो दो देखें दो वैसे तो अर्थ के दो पोल है दैट इज़ द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल तो अगर हम उसका हाफ कर दें तो जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो दैट विल बी कॉल्ड नॉर्थ पोल और जो नीचे वाला होगा दैट इज़ दैट विल बी कॉल्ड द सदरन हेमीफेयर ठीक है तो हमने इक्वेटर के बिल्कुल नीचे हमने राइट करना है सदरन हैमी स्पालिंग स्पाल बहुत से लिखना है और उसके बाद देखें जैसे आप ऊपर नॉर्थ पोल था तो नीचे क्या है साउथ पोल ठीक है अब आपने यहाँ पे साउथ पोल लिखना है और साउथ पोल से ऊपर जो आपको लास्ट ब्लैंक नज़र आ रही है अब देखें सर्दरन हेमी हो गया ठीक है और उससे अब हम इस साइड पर आए हैं तो इधर ये क्या हो जाएगी नॉर्दर्न हेमिसफेयर ठीक है इस डायग्राम को आपने ध्यान से सॉल्व करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने ठीक है इसको रफ़ली ड्रॉ करना है आपने ड्रा करने के बाद आप इसको ख़ुद फिल करेंगे बुक क्लोज़ करके आपने ख़ुद इसको सॉल्व करना है ओके स्टूडेंट्स नाव कम टू द पेज नंबर सेवन पेज नंबर सेवन पे आपका डी क्वेश्चन है लिस्ट द सेवन कॉन्टिनेंट्स एंड द फाइव ओशंस फिल फाइंड देम ऑन अ ग्लोब ठीक है ये अब यहाँ पर आपको कहा गया है कि आपने यहाँ पे जो है सेवन कॉन्टिनेंट्स और फाइव ओशंस के नेम राइट करने हैं ठीक है थीके? आपने ग्लोब से हेल्प लेके uh, करना है ये सॉल्व तो आपको मैंने जो कल भी लास्ट टॉपिक करवाया था तो उसमें भी वर्ल्ड मैप का ही जिक्र किया गया था और मैंने आपको कहा था कि आपने इसको गौर से देखना है ध्यान से देखना है तो उसमें बेसिकली क्या था उसमें थे कॉन्टिनेंट्स और उसके अलावा ओशन नेम थे ठीक है चले मैं आपको अब सॉल्व करवाती हूँ अपना ध्यान से लिखते हैं जो फर्स्ट सबसे पहले हम कॉन्टिनेंट uh, राइट right करेंगे बॉयज़ दैट इज़ अफ्रीका क्या है हमारा फर्स्ट कॉन्टिनेंट अफ्रीका और अफ्रीका की स्पेलिंग बिल्कुल ध्यान से आपने नोट डाउन करने हैं स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी और हैंड रॉइटिंग नीट एंड क्लीन एंड द सेकेंड कॉन्टिनेंट इज अंटार्टिका ठीक है अंटार्टिका इज द सेकेंड कॉन्टिनेंट थर्ड वन इज़ एशिया ठीक है एशिया जो है हमारा थर्ड कॉन्टिनेंट है अब आपने फर्स्ट थ्री लाइन्स हमारी फील होगी सेकेंड लाइन में आएगा क्या वर्ड है सेकेंड वर्ड में ऑस्ट्रेलिया ठीक है सेकेंड लाइन में क्या वर्ड है ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया से आगे हम राइट करेंगे यूरोप ठीक है हम इस वर्ड को क्या बोलेंगे यूरोप ओके okay. उसके बाद हमारा जो यूरोप से नेक्स्ट लाइन है दैट इज़ नॉर्थ अमेरिका ठीक है नॉर्थ अमेरिका अब हमारी सेकेंड लाइन भी कंप्लीट हो गई अब हम आएंगे थर्ड लाइन के ऊपर अब थर्ड लाइन के ऊपर आपको नजर आ रहा है क्या है साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका हो गया ठीक है अब आपने क्या राइट करना है साउथ अमेरिका साउथ अमेरिका जब आप राइट कर लेंगे तो उसके सामने आपने अब अब देखें आपके सेवन कॉन्टिनेंट्स साउथ अमेरिका तक आपके सेवन कॉन्टिनेंट्स कम्प्लीट हो चुके हैं ठीक है अब चूँकि उन्होंने कहा कि आपने पहले कॉन्टीनेंट्स के नाम लिखने हैं और उसके बाद आपने आ, ओशन के नाम लिखने हैं अब ओशन के लिए सेपरेटली आपको ब्लैंक्स तो यहाँ पे गिवन नहीं है तो अब साउथ साउथ अमेरिका के बाद आपके पास जो लाइंस लेफ्ट हैं हम वहाँ पर ओशन्स के नेम लिखेंगे ठीक है और मैंने साथशन ओशन मेंशन कर दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कॉन्टिनेंट्स और ओशन में ठीक है अब देखिए साउथ अमेरिका के बाद जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज़ द आर्टिक ओशन ठीक है आर्टिक ओशन है उसके साथ आपने भी ओशन राइड करना ताकि आपको याद रहे ऊपर वाले जो वर्ड्स हैं वो कॉन्टिनेंट्स हैं और नीचे वाले वर्ड्स ओशनस हैं ठीक है थीके? आर्टिक uh, ओशन के बाद नेक्स्ट ओशन है अटलांटिक ओशन ठीक है स्टूडेंट्स क्या है अटलांटिक ओशन अटलांटिक ओशन राइट करने के बाद आप लास्ट लाइन पे आए अटलांटिक ओशन के बाद है नेक्स्ट ओशन इंडियन ओशन ठीक है इंडियन ओशन के बाद आप राइट करेंगे पैसिफिक ओशन ठीक है स्टूडेंट्स पैसिफिक ओशन ये जब आप राइट करेंगे तो हमारे लास्ट ब्लैंक रह जाएगी और हम उसमें राइट करेंगे सदरन ओशन ठीक है सदरन ओशन का हमने नेम राइट करना है स्टूडेंट्स आपने इस काम को नीट एंड क्लीन फिल करना है और फिल करके आपने अपने रेलिवेंट सब्जेक्ट टीचर्स को इसकी पिक्चर क्लियर पिक्चर बना के आपने सेंड करना है ठीक है और आपने पेज नंबर सिक्स को और सेवन को याद करना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है ओके okay, स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर योर अटेंशन अल्लाह Face.